सबसे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 263वीं आज हुई, उसका ऐलानिया हम सबके सामने है। किस तनाजुर में लेते हैं, कितना क्लियर जो जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया, और मेरे ख्याल में तो क्लियर जवाब दिया गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि ये एक रिवायती किस्म का वो स्टेटमेंट नहीं है। आप देखें कि ये नॉर्मली जो इनकी प्रेस रिलीज आती है वो 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं, सुपर नहीं होती है, और उसमें बिल्कुल जो एक स्टैंडर्ड किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो बयान दिया होता है। लेकिन ये इस बारी जो आप देखें तो ये बड़ा तफसीली है, और इसमें वो तमाम तर मामला जो इस टाइम हमारी सियासत को डिफ़ाइन कर रहे हैं उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो उसका जवाब है। तो मेरा तो जो रीडिंग है ना वो ये बिल्कुल ये कहती है कि इस वक्त जब से इलेक्शन हुआ है तो एक तासर कम अज़ कम PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनको हम कहते हैं उनकी तरफ से आ रहा था कि जी हम लोगों ने अब हमारा इस निज़ाम में जो है ना वो वज़न बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली वो बात ठीक भी है, वज़न बढ़ा है उनका, लेकिन उस वज़न बढ़ने के नतीजे में क्या पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है क्या वो चेंज होने जा रहे हैं? क्या जिस तरीके से उन्होंने एक नया बयानिया बनाना शुरू किया है कि जी हम इसको जो धांधली हुई है या जो रिगिंग हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके नतीजे में हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हालांकि खुद उसका हिस्सा बन चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जी क्योंकि अब उनका इतनी परफॉर्मेंस बेहतर हुई अनएक्सपेक्टेडली इलेक्शन में, तो शायद उनकी तरफ जो है जो रवैया है एस्टेब्लिशमेंट का वो भी कुछ चेंज हो। वो तमाम तर जो चहमुगियाँ चल रही थी उसका ये जवाब आ गया आज, और इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई तब्दीली नहीं हुई, सारा वैसे कुछ है। बिल्कुल ठीक फरूख, जिस तरह से हम देखें अगर इंतखाबात 2024 को, तो उसका जो पुरअमन इनेकाद था उसका सारा क्रेडिट हम दे सकते हैं मुसलह फौज को, क्योंकि बड़े ऐसन तरीके से इनेकाद हुआ हमारे जो इलेक्शंस थे, और हमने पहले भी इलेक्शंस देखे, खून खराबे भी होते रहे, ये बड़े स्मूथ इलेक्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मखसूस हलकों की जानिब से खसूसी तौर पर इंतखाबी अमल में इंटरफेरेंस की जो तनकीद थी उसका भी आज बड़ा क्लियर जवाब दिया गया। देखिए ये तो खुद यानी वहाँ से जवाब आ गया कि हमारा जो ताल्लुक था वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने तक था, हमारा उसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं था, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि मैं इसको इस तनाजर में अहम देखता हूँ कि कल जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी हमारे पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी वो आए, उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म से ओथ लिया, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि लास्ट टाइम भी उन्होंने इस तरह किया था कि ओथ नहीं लिया था, फिर चेयरमैन सेनेट को जाके ओथ लेना पड़ा। एक तो ये मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे गंडापुर साहब जैसे CM बनते हैं वो कहते हैं IG को बुलाएँ, हम वो जितनी FIR हैं वो ख़त्म करें वरना एक हफ़्ते के अंदर मैं ये कर दूँगा वो। आज आप देखें कि जब वो डयाला जेल मुलाकात करके बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए 9 मई की। तो ये जो जवाब है ये भी वाजिया करता है। और दूसरा जो लोग कह रहे थे हुकूमत कमज़ोर है, तो मैं तो इस पूरे को पढ़ने के बाद और देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और सारे जो इदारे हैं मेरे ख्याल में अब एक पेज पर हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। अगर कोई नहीं देखना चाहता तो ना देखे। इसमें ना मैं बिल्कुल फ़र्क की बात आगे बढ़ाता हूँ ना, कि इसमें जो एक बना हुआ था ना कि एक तरफ वो तमाम जमातें जो अब गवर्नमेंट में आई हैं उनके साथ के जी इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त जो थी अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, लग ही रहा था कि शायद वो जो एक वो मिक्स चेंज हो गया थोड़ा सा, और ये है कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गई है, और उसकी वजह से शायद उनको कोई रिलीफ भी दिया जाए, और जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से डिमांड भी करें, उनसे कोई बेहतर इंगेजमेंट हो, को बातचीत हो, को मुजाकरात हो। ये जो आया है, और शायद ये कि जी 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की बात हुई उस पर को थोड़ा पॉलिसी चेंज हो रही है। अब आप देखें ये जो आया है आज का बयान, उसमें मैं 9 मई का आपको पढ़ देता हूँ। उसमें कहते हैं कि 9 मई के मनसूबा साजों इश्ताल दिलाने वालों, इसमें कह रहे कैटेगरीज कितनी कवर हो रही हैं, पहली कौन सी है जो मनसूबा साज हैं, फिर इश्ताल दिलाने वालों, फिर हौसला अफजाई करने वालों, और फिर शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों, और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर, यानी इसमें ये कोई वो नहीं है कि जी शायद कोई थोड़ा सा दे, यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोई रिलीफ नहीं है, कोई लचन इससे क्लियर तो हो भी नहीं सकता, मतलब नहीं, इससे तो बिल्कुल वेरी क्लियर। और ये भी जो बातें चल रही थी ना बार बार, क्या बार क्या रिहाई और दीगर चीज़ें, ये तो सामने आ गई चीज़ें कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसने
असम्बली के अंदर ही जो अपना एहतजाज या वो इलेक्शन पर जो तहफ़ुज़ात हैं वहीं पर उन्हें करने होंगे। इसके अलावा शायद सड़कों पर वो आ भी ना पाएँ और इस वक्त हुकूमत जो है उनको शायद उस तरह से आने भी ना दें। इस क्लैरिटी के बाद जब आपको नज़र आ रहा हो कि इदारे एक पेज पर हैं तो इतनी बड़ी कोई तहरीक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मौलाना फजलुर रहमान भी रूठे हैं, चकजई साहब भी दूसरी तरफ हैं, ये जो PDM में लोग थे चंद एक लोग इस तरफ आए हैं, तो शायद इसके बाद कोई मंजरनामा चेंज हो जाए। एक तो ये मंजरनामा चेंज नहीं हो रहा, दूसरा मुझे जो नज़र आया ना सोशल मीडिया के हवाले से खासी तशवीश है जी। और जो कहा जा रहा है ना कि सोशल मीडिया के जो लोग फेक न्यूज़ में, तो इसके हवाले से भी सख्त लाया अमल है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी आ जाएंगे। देखिए ना, इसमें ये कहा गया है कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत की गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सो ऑब्वियसली ये इशू जो है कि जिस तरीके से ये इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर ये रद्द किया गया। अच्छा, अब वो ठीक है, उसमें हमारा अपनी ओपिनियन हो सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो ये नहीं है कि जी एक्चुअली क्या हुआ क्या कहा जा रहा है। असल में इम्पोर्टेंस ये है कि किस फोरम से कहा गया जी, किस वक्त कहा गया। अभी देखें, अभी तक टाइमिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तो बनी नहीं है अभी, अब बन रही है जी। तो ये पहले जो कुछ अपोजिशन की तरफ से हो रहा है उसका जवाब यहां से आ गया है। सो बिल्कुल जो फर्क पहले बात करते हैं, अब आपने ही बात की थी, महाज क्लियर हो गया है। और जो मैसेज जो मुझे यहां से मिल रहा है ना वो ये है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, नथिंग इज चेंज, वैसे ही है इलेक्शन से पहले जो था।